अड़े खड़ी करो क्या स्टोरी थी और क्या नहीं थी, सेटिंग थी, सेटिंग के चक्कर में कांड आने हुए हैं। जो भी बता रहे थे ना वो बताओ। मुमताज के चक्कर में ताजमहल बनवा दिया और एक बोर्ड पर। तो गाइस हम ना पहले ही बता रहे हैं आपको, ये सब कुछ पढ़ लेना आप, पढ़ के फिर ही आना। और हम जा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा पूरी, बाकी मैं ब्लॉग में पढ़ लूँगा। मेरे ये साथ वालों ने सबने पढ़ लिया तो मुझे पता चल गया क्या क्या है इसमें। हेलो, मैं कल सच यही, मैं तो उल्टी जा रही हूँ, मैं तो गलती से आ गई। हेलो, तो हम आ चुके हैं भानगढ़ और आपको दिखाएंगे भी थोड़ी देर में। दिखाएंगे नहीं, आपको बताएंगे यहाँ कौन रहता था और कौन नहीं रहता था। हाँ, तो राहुल जी बताओ कौन रहता था और कौन अभी नहीं। अभी थोड़ी देर में बताएंगे, अभी पैर टूट रहे हैं। पैर वैर कुछ नहीं टूट रहे, रोटी को ले रहा है मारा आटा पे रहता थी। रेंज रोवर में बड़ा इंसान रोटी खाए चुके। ओ तू अच्छा, चाउमीन खाई चाउमीन, वाह वाह। दुबई का माने सेकंड कंट्री है, सोना सोना को बोल प्रेस हो मैं बता देता हूं। तो हम बता दें कि ये राजा का बंगला था और राजा यहाँ रहता था और राजा के बहुत सारे कमरे हैं। अब ये पता नहीं कौन से कमरे में रहता था, ये कमरे हैं इनमें से हमें नहीं पता कौन से कमरे में रहता था। हाँ, और अभी तो राजा रहता था, राजा रहता था पर राजा रहता था। और हम आपको यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ के बताएंगे क्योंकि ऐसे पता नहीं चलेगा। अब कमरा तो बहुत सारे बना रखे हैं, अब कौन सा सेटिंग का कौन सा कमरा था। पर ये बताओ कि ये भानगढ़ का ऐसे मतलब भानगढ़ नाम कैसे, ये भानगढ़ नाम नहीं मतलब ये ऐसा कैसा हुआ? भानगढ़ ऐसे बना क्योंकि नाम भानु था महाराजा का, इसलिए भानगढ़ कहते हैं इसको। क्योंकि भानगढ़ थोड़ा ठप नाम था तो लोगों ने भानगढ़ कर दिया इसका नाम। नहीं मतलब वो बताओ मेरे को, ये तो फिर भी अब ये देखो इसकी एंट्री है, एंट्री में रानियां खड़ी होती थी और फूल बरसाती थी। किसके लिए? राजा आता था तब, और यहाँ पे राजा शिकार भी जाता था और कमेडियन मार के आता था। और यहाँ पे लिखा हुआ है, रुको मैं पढ़ के जाऊंगा, भानगढ़ प्राचीन नगर की स्थापना मेरे के साथ। आप काम करवा भगवंत दास है। झूठे बानू बानू कर रहे हो तुम, मन का गाइस देख लो ये भानगढ़ कैसे पड़ा। भानगढ़ नाम नहीं, सॉरी नाम नहीं, मतलब ये ऐसे ही कंडीशन कैसे हुई इसमें? वो क्या थे, राजा को कोई लड़की पसंद आ गई थी, नहीं यहाँ का राक्षस था उसको। ओके, तो उसने क्या करा, उसके बाप से बात करी, हाथ मांगा, हाथ के लिए मना कर दिया। ओके, तो राजा थे वहाँ बैठे थे, वो राक्षस बंडे से कोई बाट वाट बगाए वो। तो बाट हम सारा फूट को, बस बाट हम सारा फूट गया, तो फिर इसकी कोई भी दीवार साफ थी नहीं बची। ये सबके टुकड़े टुकड़े हो गए। और मैं बताऊं जो मैंने सुना है, ये फेंक रहे हैं। फिर मारे एक मूर्ति कारीगर से बीस बात करी, मैं दोबारा बनवा दिया पर वो साफ मना कर दिए। कचमास कौन बने वाला ऊपर देख रहा, वो उसका घर था, मतलब राजा था ना वहाँ का, जो महल था वो। ओके, वो राजा का घर था। बताते हैं मतलब स्टोरी ऐसी थी, कुछ ऐसा लड़की राजा की बेटी पसंद आई थी। हाँ। और या कोई संत महात्मा ऊपर बैठे हुए थे कुछ ऐसा। हाँ, तो उन्होंने शराब वगैरह कुछ दिया था ऐसा कुछ, मुझे पता है मैं बताऊंगा। तो कोई शराब देता ही नहीं, हम तो पी लें शराब, शराब नहीं शराब। और मैंने भी सुना था ये सब। तो अभी हम आपको जाके, ये तो मतलब यहाँ का मार्केट था पहले, मतलब ठेका था। हमारे ब्लॉग में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ठेका क्या नहीं। और तो केक बाद सुबह से 50 का दिख रहा है। और अभी हम आपको मतलब ऊपर जाके दिखाएंगे, मतलब जो भानगढ़ था प्रॉपर जो किला है ना वो, सांप भी रहता। और यहाँ पे जो संत रहता था ना वो लोकेशन अभी आपको दिखाते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे कि उसकी वजह से भानगढ़ ऐसा हो गया। आज भूत नहीं है क्योंकि वो अपनी मम्मी के साथ मामा के गई, राखी लेने गए। वहाँ पे वो महात्मा जी बैठते थे और उन्होंने सारी हिस्ट्री कर दी आज। और यहाँ की लोकेशन देखो कितनी प्यारी है, और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। तो अभी हम आ गए मेन गेट पे, मेन गेट दिखाते हैं आपको। किसका? भानगढ़ का। ये रहा, ये है मेन गेट। तो अभी हम आ गए मेन गेट पे, अभी हाथ मुंह धोते हैं, उसके बाद में ऊपर जाते हैं। अंदर जाके आपको अंदर की लोकेशन दिखाएंगे, बहुत प्यारी प्यारी लोकेशन है। सबसे ज्यादा दुख जना हुए जो मैं भानगढ़ देखी कौन सी ना, जब जस माना करे आया तो ना मेरे बहुत दुख हुए कि मन क्यों कौन बुलाया मेरे लोग। फिर ना अभी मैं भी चक्कर में मैं देख लाई तो नहीं, तो मैं 2 साल बाद में भी देख सके थे। और बड़े देखो
मेरा भाई ये रहा भानगढ़। देखो निशा जी का सूट चल रहा है यहाँ पे, राहुल भैया सूट कर रहे हैं। थ्री टू वन स्टार्ट। म्यूजिक सिलेक्ट करो आप। बोल रहे गाइस लुक एट माय शूज, कैसे लग रहे हैं? अच्छा हमारे भी देख लो करे दो यार। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। बता भाई क्या ये? और बताओ कुछ बोलना चाहोगे आप? कैसा लगा बोला? कैसा ना सूट मस्त। तो गाइस ये है भानगढ़ का फर्स्ट, सॉरी मतलब मेन गेट। तो यहाँ से हम अब अपन एंट्री कर चुके हैं गोस्ट हाउस में। चलते कैसा है? गोस्ट हाउस ही मिलते हैं। गोस्ट हाउस और गेस्ट हाउस समथिंग तो अभी हम रील शूट कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी हम थोड़ी बहुत और कर रहे हैं, उसके बाद में जाएंगे हम वहाँ पे। और वो है भानगढ़, मतलब किला जो फोर्ट है ना भानगढ़ का, वो प्रॉपर फोर्ट वो है। तो गाइस पीछे कोई मंदिर है, मैं उधर नहीं जा सकती क्योंकि मैं शूट करूँगी, तो मैं आपको बाद में मिलूँगी, ठीक है? वो डांट रहे मेरे को भाई। तो हम ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा हमारा डी ओ पी वेट कर रहा है थोड़ा सा। आपने देखा होगा ब्लॉग, ब्लॉग में मैंने कितनी देर से चेंज कर ली, वॉक भी कर रहे थे, आप भी घूम रहे थे, और मैंने सुना है भूत होते हैं, आज मैं देख के जाऊंगा कि भूत है कहाँ। बंदर भूत का खाने में दिखाई जा रहा है। तो हम अंदर जा रहे हैं, देखो इधर कैसे कैसे इधर से। देखो कितना पुराना है यार। देखो पहाड़ है, देखो लोकेशन, देखो गाइस कितनी प्यारी है भानगढ़ की। वो सब कैसे टूटा फूटा बस। तो गाइस लोकेशन देखो, हम ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि मुझे भानगढ़ देखना है, मैंने कभी भानगढ़ देखा नहीं है, और हम आ भी गए फाइनली, लेकिन हम मेन गेट से बाहर से ही जा रहे हैं, ये इन दोनों की गलती है, मुझे अंदर नहीं लेके जा रहे हो। और लोकेशन देखो कितनी प्यारी आ रही है, वहाँ पे हमें एक और वीडियो बनाना है। बाकी हमने तो आते टाइम में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे सरकार की तरह कि हम उधर जाके आएंगे, उधर लेट कौन करवाओ, आपको ही बता रही हूँ लेट कौन करवाओ, मतलब मैं दो घंटा का की रोटी और खा रही हूँ, मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। और ये हमारे गाइड साहब, इधर आओ। देखो गाइड को कैसे हाल है आपके ये बताओ। मैं सुना रहा चुमने लाख, ये आज की लास्ट रील है। ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, व्यू देखो। ये देखना निशा जी क्या बोलती है। अब आपको हम थक चुके हैं बहुत ज्यादा, हमारी लास्ट रील है, उसके बाद में हम करेंगे एंजॉय। और अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को जल्दी से कर देगा। और अब हम करने वाले पार्टी फ्री, ओके मेरा फोन भी बंद होने वाला, तो बाय गाइस। मजाक कर दिया तो मैंने ना इन सबको बोला है अभी कोई बोलना मत, क्योंकि मैं अभी बोलने वाली हूँ दो ज्ञान की बातें। तो आप मेरी ज्ञान की बातें, शूट हमारा हो चुका है पेक, तो अभी आप शक्ल देख सकते हो मेरी कैसी हो रखी है। और शाम के बज गए हैं 7, तो हम में से किसी ने भी खाना नहीं खाया आज, नहीं खाया ना, या खा के आए हो बता दो।
किसी ने नहीं खाया खाना भी, तो अभी हम बाहर जाएंगे कुछ खाएंगे, उसके बाद में कुछ मस्ती वस्ती करेंगे थोड़ी बहुत। सड़क पे हम डांस वांस करने वाले हैं, अगर स्पीकर है ना चार्ज अभी, तो अभी करेंगे थोड़ी बहुत इंजॉय। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नहीं आया है तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, हम इनकी तरह नहीं है कि अनसब्सक्राइब के लिए बोल दे, सब्सक्राइब करना है तो करना है, चाहे पसंद आए चाहे नहीं आए, फिर हमारे अकाउंट पे आए क्यों, देखा क्यों फिर वीडियो, अगर देखा तो लाइक करके जाओ, मुझे नहीं पता करो वरना मैं रोने लग जाऊंगी, है ना, यही इमोशनल ब्लैकमेल। और अभी हमने सुना था कि 6 बजे बाद, मतलब 6:30 बजे बाद में इधर एंट्री नहीं है, मार्केट लग जाता है। अच्छी वाइब आती है।